So hello everyone, in this video I am going to talk about this cute little book, The Little Prince. It is a children's book and I read it after recommendation from Read Travel Become. So इस video में मैं basically उन lessons के बारे में बताऊँगी जो मैंने इस book में सीखे. वैसे तो ये fiction book है, एक story book है, but उसमें बहुत सारे philosophies हैं, बहुत सारे lessons हैं which we can apply to our life to live a happy and satisfying life. Lesson number one, तो इसका जो ऑथर होता है उसको स्टार्टिंग में पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद होता है, बट उसकी पेंटिंग को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, तो वो उस टाइम पे डिसहार्टेंड होकर उसको गिव अप कर देता है. सो द लेसन इज़ कि वी शुड नॉट डिस्करेज अदर्स, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. स्पेशली जो किड्स होते हैं, हम जो भी लिमिट्स क्रिएट कर देते हैं वो उसमें बिलीव करने लग जाते हैं, हम जो भी चीज़ें उन्हें बताते हैं वो फॉर्मली उसी में बिलीव करने लग जाते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए उनका बिलीव बन जाता है. तो हमको उनको लिमिटलेस बनना सिखाना चाहिए, हमें उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें पावर देनी चाहिए, उन्हें पावरफुल फील कराना चाहिए ताकि वो थ्रू आउट द लाइफ उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके रखें. सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन, इसमें जो राइटर होता है और लिटिल प्रिंस होता है तो उनके बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है, तो वो लोग एक ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो बहुत लार्ज साइज़ के ट्रीज़ होते हैं. तो लिटिल प्रिंस ये कमेंट करता है कि उतने बड़े होने से पहले वो उतने बड़े होते हैं, बट वो शुरुआत अपनी जब करते हैं उस टाइम पे वो बहुत छोटे होते हैं, दे स्टार्ट्स आउट बाय बीइंग लिटिल. और सिमिलर चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है, अगर हम कुछ भी किसी भी चीज़ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो जो इनिशियल फेज़ होता है उसमें हम छोटे होते हैं, उसमें हमें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला होता है. सो वी शुड नॉट स्टॉप आवर सेल्फ कि हम उतने बड़े हो जाएंगे उसके बाद ही हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे. हमें जिस स्टेज पे हम हैं, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग वी शुड स्टार्ट दैट एंड इवेंचुअली हम उसमें ग्रो करके बड़े हो जाते हैं. लेसन नंबर थर्ड, इन्होंने अर्थ में बहुत सारे सीड्स होते हैं, उससे आई थिंक इन्होंने हमारे हार्ट को कंपेयर किया है. जो चीज़ मैंने समझी वो उससे ये कहते हैं कि जो अर्थ होती है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के सीड्स होते हैं, गुड सीड्स भी होते हैं, बैड सीड्स भी होते हैं. बैड सीड्स यानी कि जो वीड्स होते हैं जो हमारी अर्थ को हार्म पहुंचा सकते हैं, और गुड सीड्स होते हैं यानी कि कुछ फ्रूट्स के हो गए, रेडिश यूज़ किया इन्होंने, रेडिश के सीड्स हो गए. उसी तरह हमारा हार्ट भी होता है, हमारे हार्ट में भी गुड सीड्स होते हैं और बैड सीड्स होते हैं, यानी हमारे अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं, बैड क्वालिटीज़ भी होती हैं, वो हमारे हार्ट में बरीड होती हैं. जब कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारी कुछ गुड क्वालिटीज़ बाहर आती हैं और कुछ सिचुएशंस में हमारी बैड क्वालिटीज़ बाहर आती हैं, तो हमारे अंदर हैं दोनों, हैं गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ हैं, और वो क्वालिटीज़ कभी ना कभी बाहर भी आती हैं. तो व्हाट वी कैन डू इन दैट सिचुएशन, हमें ये करना चाहिए कि जब भी कोई बैड सीड जर्मिनेट कर जाए, जब भी कोई बैड क्वालिटी हमें हमारी बाहर आ जाए, और हम उसको जैसे जितनी जल्दी से जल्दी हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर लें, जैसे ही हम उसको रिकॉग्नाइज़ करें उसके बाद हमको उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करनी चाहिए. सो उसका जर्मिनेशन हो सकता है, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज दैट सीड इज़ देयर इन आर हार्ट, इन साइड आर हार्ट. सो वॉट वी कैन डू इज़ डिस्ट्रॉय दैट प्लांट दैट हैज़ जर्मिनेटेड एज सून एज पॉसिबल. लेसन नंबर फोर, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वॉन्ट टू मेक एन इंटायर वीडियो ऑन दिस लाइन. इसमें राइटर बोलता है, आई वॉज कैरीड बियॉन्ड माई सेल्फ By the inspiring force of urgent necessity, यानी कि एक urgent necessity का inspiring force था जो कि writer को उसके beyond ले गया. तो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, जैसे हमें कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, कोई urgent necessity होती है कि हमें उस चीज़ को करना ही है, कि यानी हाँ हमें करना ही है, वो ज़रूरत है हमारी और वो अर्जेंट नेसेसिटी है हमारे लिए, तो एक हमारे अंदर अलग से इंस्पायरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है और वो फोर्स हमें हमारे बियॉन्ड ले जाता है, जो हमने लाइफ में कभी नहीं किया होता है वो हमसे वो अचीव करवा देता है. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे एग्जाम्स के पहले क्या होता है कि एनी हाउ हम कोर्स कवर कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जो हम थ्रू आउट द ईयर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं, इन दी एंड किसी तरीके से हम उसको कवर ही कर लेते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लेसन नंबर फाइव, इसमें रोज़ एक रोज़ होती है, वो बोल रही होती है कि इफ़ आई वॉन्ट टू बिकम एक्वेंटेड विद द बटरफ्लाइज देन आई मस्ट एंड्योर द प्रेजेंस ऑफ कैटरपिलर्स. तो ये इस सेंस में कि लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू get something which we think is beautiful, if we want to achieve something then
हमें बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं. सो दैट इज़ द थिंग कि बहुत सारे कैटरपिलर्स तुम्हें टॉलरेट करने पड़ेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू गेट फैमिलियर विद द बटरफ्लाइज. सिक्स एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, इसमें एक किंग होता है, वो ये बोलता है कि हमें खुद को जज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. लाइक दूसरों को जज करना तो बहुत आसान होता है, हम सब कर लेते हैं, लेकिन अपने खुद को जज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. और जो इंसान जिसे खुद को जज करना आता है, ही इज़ द मैन ऑफ ट्रू विजडम. लास्ट लेसन, तो ये जो लिटिल प्रिंस होता है, ये एक्चुअली दूसरे प्लैनेट से आया हुआ होता है. तो वो अर्थ पे आके बोलता है कि जो अर्थ पे लोग होते हैं वो अपने गार्डन में बहुत सारे रोज़ेस लगाते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि वो अपने प्लैनेट पे एक रोज़ की केयर कर रहा होता है, और वो रोज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये जो लिटिल प्रिंस यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे मेंस अर्थ पे बहुत सारे रोज़ेस लगाते हैं, उसके पूरे प्लैनेट पे एक ही रोज़ होता है. तो वो बोलता है यहाँ पे इतने सारे रोज़ेस लगाते हैं गार्डन्स में, और फिर भी लोगों को वो नहीं मिलता है, वो चीज़ नहीं मिलती है जिसकी उन्हें तलाश होती है. सो दे डोंट गेट वॉट दे आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ द स्टेटमेंट. सो जो लिटिल प्रिंस होता है वो कहता है कि जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, दैट दे कैन गेट इन वन सिंगल रोज़ एंड जस्ट लिटिल वाटर. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट वट इन माई ओपिनियन ही इज़ टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस. एंड दैट हैपन्स विद अस अ लॉट ऑफ टाइम्स. वी डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन द थिंग्स विच वी ऑलरेडी हैव. Instead, we are very much worried about many other things, and we forget to be grateful about the things which we already have. And we can get happiness in whatever we have. It's not like ki kuch bahut zyada mil jaye then we will be happy forever. That's not true. So happiness can be found in little things as well. So that was all of these were the lessons which I think if we can apply these in our lives, then our lives will be more easier and will be more happy. So thank you so much. Thanks for watching.